ओके हेलो बच्चों वेलकम टू अन अकेडमी माय नेम इस समीर मैं आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ाता हूँ अगर नहीं पता तो आपने इससे पहले मेरे जो वीडियोस होंगे जिसमें वो कैबलरी कुछ हद तक पैराजल्स हम लोगों ने मैराथन में भी बात की डिस्कशन किया था कॉलेजेस और ये सब चीज़ों को लेके आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अकेडमिक टॉपिक लेके आ रहा हूँ आई वुड से इट एज क्रिटिकल रीजनिंग ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ये ये थोड़ा हद तक अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ कि ये हमारे अंदरूनी बात के बारे में ज्यादा बात कही जाती है जैसे कि हम लोग जैसे सोच रहे होते हैं ना कि आज हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अगर नॉर्मली बात करें तो अगर मौक दे रहे हो तो हमें कहाँ से मौक देनी चाहिए इसमें भी आपकी काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग लग रही होती है कि आज मुझे सुबह उठ के कॉलेज जाना चाहिए या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट इसमें भी जो आप डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस यूज कर रहे होते हो जो जो आपके रीजनस एक एविडेंस जो आपको मिल रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग तो आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जो बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत बिगिनर सा होने वाला है तो अगर आप 2023 के लिए एस्पेरेंट हो तो आपके लिए वीडियो या फिर फ्यूचर में कभी भी आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो आप तैयारी कर रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग की मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ में या फिर जो जो हमारी क्लासेज यहाँ पर होने वाली है इसमें हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों के बारे में बात करें वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन वी हैव अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम तो दिस इज अबाउट मी अब कोई एक ओवर व्यू वो एम आई जो आपके एजुकेटर है जो आपको पढ़ा रहा है जो स्क्रीन के सामने आपको दिया हुआ है दिस आर माई क्रेडेंशियल यू कैन पॉज द वीडियो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड गेट टू रीड अबाउट मी नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग मैं इसको यही बोलूंगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि बहुत एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चाहे आप आर की तैयारी कर रहे हो आउट वन आउट की तैयारी कर रहे हो पैरा पैराजंबल्स में पेयरिंग की बात कर रहे हो ये चीज़ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो अगर बाय डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहूँ दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली लेट्स लेट्स ब्रेक दिस पार्ट एंड इसी से हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा असैस करना स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्रिटिकल रीजनिंग है ये हमारा क्या है एक टॉपिक है होम टॉपिक जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि हम लोग अवेयर कराना चाह रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं की वर्ड्स जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अब यहाँ पर जो एस की बात आ रही है वी आर काइंड ऑफ लिंकिंग इट आउट अगर हम लोग इसकी बात करें ये हमारा लिंकिंग वर्ब होता है अब ये जो है ऑल अबाउट ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है अगर अबाउट की अगर हम लोग यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक रीज़न ऐड हो रहा है इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई जानना देखना एनालाइज़ करना समझना क्या ये चीज़ सही है या अभी या नहीं या फिर हमें एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किस तरीके से सिस्टमेटिकली इसको कहा जाता है क्रिटिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग एक मैकी के पैकेट खोलने से लेके आप एक जगह तक जब जा रहे हो चाहे वो कैफ़े हो चाहे आपका कॉलेज हो हर जगह क्रिटिकल रीजनिंग एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो इस सेंटेंस में क्रिटिकल रीजनिंग क्या हुई क्रिटिकल रीजनिंग हमारा यहाँ पे एक कीवर्ड हुआ ठीक है इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल फोकस हमें बताया जा रहा है मेन आइडिया हमें बताया जा रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग की होती क्या है और कंक्लूजन में हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी इसके बाद जितना भी यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है ये उस कंक्लूजन पार्ट का आ जाता है बीच में ट्रांजिशनल है जो इसको सपोर्ट कर सकता है जो जो रीजनस लगाए जैसे पहली बात अगर इसके बाद मुझे ट्रांजेशनल सेंटेंस अगर मुझे बनाने हैं दैट इज लाइक नो गिविंग सपोर्ट टू इट वो होगा क्या मैगी का पैकेट जब हम लोग तो खोल रहे होते हैं क्या हम टॉप रेमन और मैगी के बीच में डिसीजन मेक कर रहे होते हैं चाहे वो मैगी हो चाहे वो एक टॉप रेमन का पैकेट क्या हम दोनों के बीच में जो एक डिसीजन मेक कर रहे होते हैं क्या वो क्रिटिकल रीजनिंग है जी हाँ तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए समझाने की बात कर रहा था तो जो कॉमन चीज़ें मैंने देखी है बच्चों को क्रिटिकल रीजनिंग में जो वो फेस करते हैं या सफ़र करते हैं वो यही होती है कि यार हम लोग ना बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट या फिर बहुत ही डीप लाइन जाके ना लॉजिकली बात नहीं करते हमें लगता है कि जैसे हम लोग एजम्पटिव ज़्यादा होते हैं अगर मैं बोलूँ क्रिटिकल रीजनिंग का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हमें सीखना है क्रिटिकल रीजनिंग में आपको अपने एजम्पन्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे हम लोग बहुत अजम्प्शन हो जाता है ना कि यार यही होने वाला होगा जैसे मूवी देखने का स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने एक सिमिलर मूवी देखी होती है तो वी फील कि एंड में भी इसका भी रिजल्ट कुछ हद तक सेम ऐसा ही रहने वाला है तो क्रिटिकल रीजनिंग का यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यही बताना चाहूँगा कि हाँ क्रिटिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली अब बारी बारी से थोड़े से ना इसकी कॉम्पोनेट्स की बात कर लेते हैं जैसे अगर चाय बनानी है तो आपको ही पता है कि यार उसमें चाय पत्ती लगती है है ना पानी डालना पड़ता है उबाल के दूध डालना पड़ता है दीज ऑल थिंग्स आर कॉम्पोनेंट्स क्रिटिकल रीजनिंग के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंसेस का होता है क्रिटिकल रीजनिंग का क्या है चलाओ जाने दीज आर टू कॉम्पोनेंट्स लाइक क्या है पहला क्रिटिकल रीजनिंग इज थिंकिंग फॉर योर सेल्फ ये जब थिंकिंग फॉर योर सेल्फ की बात आती है तो हम लोग को जो लगता है ऑथर जब तुमसे पूछता है किससे ऑथर एग्री करेगा तुम्हें क्या लगता है ऑथर किससे एग्री करेगा तो ये थिंकिंग फॉर योर है इट्स लाइक like कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ क्या मेरे थॉट्स सही हैं भी या है नहीं है ऑथर के साथ लाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे या फिर चलो हटाओ ये पढ़ाई से रिलेटेड हटा देते हैं लाइफ में कभी भी जब डिसीजन तुम्हें मेक करने हैं जब तुम्हें अपने लिए कुछ डिसीजन मेक करने जैसे इस कॉलेज में ही सिलेक्शन करना है तो क्यों करना है दिस इज़ थिंकिंग फॉर योर सेल्फ यू आर नॉट थिंकिंग फॉर योर फ्रेंड हेयर यू आर जस्ट एंड ओनली थिंकिंग फॉर योर सेल्फ क्रिटिकल रीजनिंग इज़ अ क्रिटिकल सेल्फ reflection true वेरी ट्रू अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग खुद की एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना जैसे किसी में अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कभी किसी से बात कर रहे हैं जो हमारा बिल्कुल हमारे जैसा है हम लोग कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि यार ये चीज़ें बिल्कुल मेरी तरह ये मेरी तरह बोल रहा है ये मेरी तरह सोच रहा है तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकली उसको चीज़ों को समझ रहे होते हैं रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहती है उस चीज़ को लेकर दैट वी आर एबल टू डू दिस क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन अब इसको और सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर मैं इन दोनों चीज़ों को तुम्हें बताऊँ तो एक ही चीज़ होगी दैट इज़ सबसे पहले अगर आप कभी भी अपने लिए कोई भी डिसीजन मेक कर रहे हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप क्रिटिकली सोच रहे हो क्रिटिकली यानी आप हर एस्पेक्ट से हर साइड से सोच रहे हो कि हाँ ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ये कंपोनेंट है क्रिटिकल रीजनिंग का क्योंकि ये सब डेटा के बिना आप कभी भी एक रीजनिंग डेवलप या फिर अपना बिल्कुल से सर्व कर ही नहीं सकते सेकेंड सेंटेंस इज क्रिटिकल रीजनिंग इज अ क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन अब ये जो सेंटेंस है अगर इसको मैं बहुत ही सिंपलीफाइड करके बताऊं हमारी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसके टू थोड़ा सा बायस्ड होते हैं और जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है देखा जाए जा जो हमारा एक्सपीरियंस होगा हम उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं या फिर अपने आप को अडेप्ट करवा सकते हैं दैट इज़ वाट अबाउट टू कॉम्पोनेंट्स जो कि क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं तो अब बारी बारी से आके डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो थिंकिंग फॉर योरसेफ क्या है इफ़ यू थिंक फॉर योर्सेफ़ यू क्वेश्चन दी वर्ल्ड विच इज़ ट्रू अगर हम अपने बारे में कुछ भी कर रहे होते तो हमें पूरी दुनिया से लड़ाई करनी होती है एंड ऑफर ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हमें अपने व्यू पॉइंट को देने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स भी ऑफर करने पड़ते हैं अबाउट द वे द वर्ल्ड इज परसीव्ड बाय अदर पीपल यस दो परस्पेक्टिव होते हैं एक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू और एक दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू वैन वी से थिंक फॉर योरसेर्फ वी डोंट मीन थिंक फॉर इट मीन्स कि यार हम लोग जब बात कर रहे होते हैं हम लोग हर एस्पेक्ट से सोच रहे होते हैं और किसी चीज़ को लेकर बायस नहीं हो रहे होते किसी चीज़ को लेकर परसुएसिव नहीं हो रहे होते दीज आर दिंग्स दैट वी कंसिडर एज थिंकिंग फॉर योर सेल्फ थिंकिंग फॉर योर सेल्फ सुन के हमें काफ़ी सेल्फिश थाट्स हमें लगता है बट वी आर काइंड ऑफ मेट हेयर इज इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को लेकर बायसड नहीं होना आई होप ये तुम्हें अब तक क्लियर हो गया होगा गोइंग फॉर द लाइक यू नो नेक्स्ट टॉपिक बिफोर दैट लेट्स लेट्स सी दिस पिक्चर एंड सी वॉट वी कैन आइडेंटिफाई इट क्रिटिकल रीजनिंग इज थिंकिंग फॉर योरसेल्फ में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये सारी चीज़ें जो होती है जैसे मैं अगर वर्क की बात करूँ मैं फैमिली की बात करूँ मैं हेल्थ की बात करूँ और मैं ड्रीम की बात करूँ इन सारी चीज़ों की जब भी हम लोग बात करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं जैसे वर्क के एक्सपीरियंस से हम लोग के डिसीजन कभी कभार इन्फ्लुएंस होंगे फैमिली के डिसीजन को लेके हम कभी कभार मतलब इन्फ्लुएंस होंगे हमारे माम डैड के साथ जब भी हमने कुछ चीज़ करी हो गया हमारे तो सारा कुछ किया होगा हेल्थ को लेके भी हमारे इन डिसीजनस जो होते हैं हम लोग थिंकिंग फॉर योरसेव कर रहे होते हैं ड्रीम्स भी हमारे होते हैं जो हमें कभी कभार कुछ चीज़ों की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से रोक दी जाती है तो अगर अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें तो येस इट इट्स इट्स काइंड ऑफ सेम मतलब ख़ुद नोटिस करो कि हमारे ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें थिंकिंग फॉर योर थिंकिंग फॉर इंडिपेंडेंटली करने से रोकती है क्योंकि हम लोग बहुत बायस हो जाते हैं ना इन चीज़ों को लेके बिकॉज दीज दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस देन येस ये इस पिक्चर का हमारा मेन मकसद यही था बताना आपको कि येस देर आर आर सर्टन थिंग्स दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम थिंकिंग ऑफ योर सेल्व एंड वी यू नीड टू बी वेरी कॉशियस वाइल सॉल्व फॉर इट अब इस इस एग्जांपल को मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें दूंगा तो वीडियो को पॉज करके ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो बट आई विल गिव यू एग्जैक्ट वन मिनट टू आइडेंटिफाई कि इस पिक्चर में हमारी बात क्या हो रही है अगर आपने इस पिक्चर में जो भी चीज़ों के बारे में हमारा जो मेन आइडिया होगा ये बच्चे जो चीज़ कर रहे होंगे अगर आप वो सही से मुझे बता देते हो दैट मीन्स आपको क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ हद तक आप थिंकिंग इंडिपेंडेंटली करने लग गए हो आपको सबसे पहले चैलेंज ये करना है जो आपको लग रहा है पर्सनली जो भी आपको देख के यहाँ पे किसी के भी इन्फ्लुएंस में जो भी आपने डेटा बना रखा है उसको हटा के आपको एक चीज़ समझनी है कि इस पिक्चर में एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है इस पिक्चर की मेन थीम एग्जैक्ट आइडिया है क्या मैसेज हमें क्या बताया जा रहा है देयर कुड बी सेवरल मैसेजेस बट एक ही ऐसा मैसेज होगा जो कि इसकी थीम को मैच कर रहा होगा तो वो एग्जैक्ट मैसेज क्या होगा लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा मैं समय देता हूँ मैं यहाँ पे क्लॉक अपने सामने यहाँ पे रख रहा हूँ एंड आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में इतनी देर में आंसर दे दोगे नहीं तो मैं अभी आपको इसका आंसर दे रहा हूँ बाकी लोग इसको कॉमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर चलेगा तो प्लीज़ यू कैन ऑब्वियसली सेव द मतलब पॉज द वीडियो एंड गो फर्दर लाइक यू नो मतलब हम लोग को बाद में आके आप लोग इसको देख सकते हो तो चलो चलो जो 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 मतलब कॉमेंट करना आपने अब तक स्टार्ट कर ही दिया होगा आई एम वेरी श्योर एंड नाउ लेट्स वेट वी आर स्टिल लेफ्ट विथ थर्टी सेकेंड्स ओके okay. अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट्स के कॉम्पोनेंट्स की बात करनी होगी इस पिक्चर की जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं पहली चीज़ इस किस चीज़ की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं है ना यहाँ पे स्टीयरिंग है यहाँ पे हमारे पास ऑल जो जो जितनी भी चीज़ें हैं एक चीज़ से जो हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं देट इज़ मैकेनिक्स और ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्रिएटिवली जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मैकेनिक्स की ही बात कर रहे हैं देखो पाना यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा रखा है इस और यहाँ पे भी बच्चा भी ये चीज़ों को लॉक कर रहा है वो भी बिल्कुल से ड्रिल मशीन से उसको टायर कर रही है ये इलेक्ट्रिक जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वो इस बच्चे से ले रहे हैं येस दे आर वेरी क्रिएटिव बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स राइट कैन आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इसमें एग्री कर लिया होगा कुछ लोग इसको ये भी बोल सकते हैं हाँ बच्चे बहुत ही शरारते कर रहे हैं डू कंसिडरेट कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं इसे कंसिडर नहीं करता हूँ बट ट्रू इट्स इट्स ट्रू कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है सबसे क्लोजेस्ट जो इसका मेन आइडिया होना चाहिए दैट वी द स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ वर्किंग फॉर मैकेनिक्स नाउ लेट्स लेट्स गो फॉर द क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन अब ये क्या होता है इन आर ओपिनियन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन योर ओन एजम्पन्स एंड टू क्रिटिकली इवेल्युएट योर ओन प्रीजुड्यूअल एटीट्यूड एंड बायसेस क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन रिलेट्स टू सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस अगर इन सब चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो हमारी कुछ ओपिनियन होती है कुछ इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ को लेकर नॉलेज होती है इन्हीं तीन चीज़ों में डेटा हमारे वेद में हमेशा से स्टोर्ड रहता है या तो ओपिनियन के फॉर्म में या तो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में या तो नॉलेज के फॉर्म में अब ये जब तीन चीज़ होती है जैसे कभी कब आप देखते हो गए आपको कोई पैसेज आपको पढ़ना होता होगा तो आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ते होगे पहले से ही आप समझ जाते हो किस कि चीज़ का ये चीज़ है क्यों क्योंकि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज बैक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रहती है बट ये जो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है कभी कभर हम लोग इसमें ना अजम्पटिव जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपको बताया था कि हम लोग जब अजमटिव होते हैं ये चीज़ ना सबसे बड़ी हमारी खतरनाक चीज़ होती है बहुत रॉन्ग चीज होती है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है यहाँ पे फॉल्टी हो जाता है तो आपको कभी भी जब भी ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ आप जितनी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ोगे जितने इतने अच्छी किताबें पढ़ोगे जितने इतने अच्छे क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ेगी बट बड़ साथ में अगर आपने ढंग से रीड नहीं किया फोकस से रीड नहीं किया तो आपकी एजमटिव वाली चीज़ें भी एक्टिवेट होगी और वो आपके नंबर गलत करवा देगा क्रिटिकल रीजनिंग इज़ वेरी क्रिटिकल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ की बात करें क्रिटिकल रीजनिंग इज क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले में यहाँ पे मैंने आपके सामने ना कुछ कुछ चार सीनेरियोज़ दिए हुए हैं और ये जो चार सीनैरियोज़ हैं बहुत ज़रूरी सीनैरियोज़ हैं आई टेल यू हाउ यहाँ पे जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ हाई हाउ माई मॉम एंड डैट सी मी बहुत एंजलिक अगर हम लोग देखा जाए हम लोगों ने जो चार यहाँ पे सैनैरियोज़ की बात की हुई है आपका पार्टनर ठीक है आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड और आपके जो ओल्डर ब्रदर और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जिनके साथ भी मतलब जो लोग आपको हेट करते हैं अगर यहाँ पे मैं एक हेट वर्ड भी लगा दूँ और यहाँ पे द पीपल हु लव यू अगर हम लोग लगा दें तो काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आपको लेके होगा ही नहीं होगा क्यों क्योंकि उनके अंदर वो सेल्फ नॉलेज आपको लेके बहुत डिफरेंट है जैसे अगर हम बात करें आप यू यू ही हो मगर आपके मॉम डैड जिस तरीके से आपको देखते हैं जो उनकी सेल्फ नॉलेज है सेल्फ ओपिनियन है आपको लेके है ना उनके जो सेल्फ इन्फॉमेसन है अपने आपको लेके वो डिफरेंट है वो आपकी एक साइड जानते हो दूसरी साइड नहीं जानते इनके साथ भी यही चीज़ है ये मे भी दोनों साइड जानते होंगे आपकी बुराई और अच्छाई बट दे चूज़ टू बी लाइक यू नो लविंग यू फॉर द गुड साइड ऑफ यू वो उनकी सेल्फ नॉलेज है कि इग्नोरेंस है ये सब चीज़ें ओल्डर ब्रदर कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं मेजरली लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके लिए हाउ माई ओल्डर ब्रदर सीज मी में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को लेके दैट आप किस तरीके से किस तरीके से उनको दिखाते हो छलकाते हो अपने बारे में बताते हो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सी दैट लाइक यू नो यही चीज़ें हैं भाइयों वाला जो मैं अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूँ तो सेल्फ नॉलेज और सेल्फ इंफॉर्मेशन जो आपको लेके ले होगा बहुत डिफरेंट होगा और एक्स को लेके तो आपको पता ही है ये चीज़ों को लेके तो काफ़ी हेट रेट वाला चीज़ रहने वाली है तो अगर मैं इन चारों चीज़ों की अगर हम लोग कंपाइलेशन की बात करें इन्फॉर्मेशन सबके बारे में आपके बारे में है वो ट्रू ही है कुछ फॉल्स हो सकती है बट देखा जाए तो वो आपके बारे में ही इन्फॉर्मेशन ओपिनियन नॉलेज सब चीज़ रखी हुई है मगर सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एज अ सब्जेक्ट चेंज हो जाता नहीं हो जाता ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में जब हम लोग बात कर रहे होंगे इन्वायरमेंट के पैसेज की है ना एक्टिविस्ट आपकी इन्वायरमेंट की या तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होंगे या तो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे तो ये चीज़ जो होगी आप क्रिटिसाइज़ जब वो कर रहा होगा ऑथर को उस टॉपिक को लेके क्या चीज़ है पॉजिटिव है नेगेटिव है नॉलेज को लेके कि इस सेक्शन में बिलोंग करता है या फिर इस सेक्शन को बिलोंग करता है यही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको एसेंशियली सीखने होते हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी क्रिटिकल रीजनिंग में धीरे धीरे बढ़ जाती है तो लेट्स गो अहेड टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग कितने टाइप की होती है पहला जो हमारे बीच में कॉम्पोनेंट के बाद जो आ जाता है पहला होता है क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आर्ग्यूमेंट जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें समझा रहा हूँ सब बता रहा हूँ ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये और कुछ नहीं है आर्ग्यूमेंट है अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब यही है कि जिसमें हमें जैसे होता है ना प्लेट में खाना दिया जाता है ऐसे ही हमें, हमें हमेशा सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा होता है तो ये जो प्लेट में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं अब व्हाट डू यू थिंक एन आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या क्या जाता है क्या आर्ग्यूमेंट्स हम लोग चिल्लाने को कहते हैं किसी के बाल खींचने पे जो लड़ाई हो जाती है उसको कहते हैं किसी को कुछ भी नाम से खिला के मतलब गाली वाली दे के ये जो होता नहीं रोड साइड आर्ग्यूमेंट्स क्या वो आर्ग्यूमेंट्स होता है आंसर है हाँ भी और ना भी आओ इसको जानते हैं एंड आर्ग्यूमेंट क्या है इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आउट ऑफ विच वन इज कंक्लूजन अनदर इज फैक्ट्स एंड थर्ड इज अजम्पन्स एंड फैक्ट सपोर्ट्स द कॉन्क्लूजन्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन और वीकन द आर्ग्यूमेंट वन हैज टू सपोर्ट और गो अगेंस्ट अनस्टेटेड अजम्पन्स अब हम लोग को यहाँ पे अगर इस चीज को थोड़ा सा ब्रेकडाउन करे जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट्स होती है बट इन सब में आर्ग्यूमेंट जो होता है कॉन्क्लूजन भी आर्ग्यूमेंट होता है अजम्शन भी आर्ग्यूमेंट होता है वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग वीक सेंटेंसेज भी आर्गूमेंट होते हैं तो देखा जाए ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट होती है बट ये जो आर्ग्यूमेंट कॉन्क्लूजन आर्ग्यूमेंट एजमशन आर्गूमेंट इन्फ्रेंस आर्गूमेंट ये जो चीज़ें होती हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है रीजनिंग डिफेंस का तो उस रीजनिंग को जानने के लिए हमें इस क्लास को एंटर देखना पड़ेगा या फिर आने वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा ये पार्ट्स में चलती रहेंगी अगर ये क्लिटिकल रीजनिंग तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मैं ऐसी टॉपिक्स पढ़ाने के लिए तो मैं आता रहूँगा आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है अगर देखा जाए इट्स इट्स ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और कैसे मिल रही है और कहाँ मिल रही है देयर कंस्ट्रक्शन एनालिसिस एंड वैल्यूएशन इट इज़ देअ फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट वी मीन बाई द टर्म आर्ग्यूमेंट तो जब भी हम लोग अगर एनालिसिस वैल्यूशन जो हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हमें उसे जानना है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो टर्म आर्ग्यूमेंट होती है इसका मीनिंग एक्जैक्टली exactly है क्या द टर्म आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज इन थ्री डिफरेंट सेंसेज आओ इनके बारे में थोड़ा सा बात करें पहला सेंस अकॉरल और फाइट बिटवीन टू एम मोर पीपल लड़ाई जो होती है दो और उनसे ज़्यादा लोगों के बीच में उसे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट कहते या फिर घोषित कर देते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ क्लेम अगर देखा जाए कि ग्रुप की जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा इंटेंड किया जा रहा होता है कि एस्टैब्लिश करने के लिए क्या ट्रुथ और एक क्लेम करने के लिए जो लड़ाई हो रही होती है हम लोग के बीच में डिबेट हो रहा होता है कि नहीं हम सही है नहीं हम सही हैं नहीं हम सही हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स थर्ड एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिसएग्री विद ईच अदर इन विच ईच पर्सन गिव्स रीजन्स टू सपोर्ट हिजर अपोजिशन तो अगर हम तीनों में अगर बात करें लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में भी इंसान अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट सही होगा एक आर्ग्यूमेंट गलत होगा और फिर बाद में एक और आर्ग्यूमेंट आएगा जो इस आर्ग्यूमेंट को एंड कर रहा होगा चाहे वो सपोर्टिव हो चाहे वो वीकनिंग हो अंडरस्टूड क्वाइट क्वाइट अ सिंपल टास्क राइट बट अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जिसका इंटेंडेड क्या है अ अट्रोथ जैसे कोर्ट केस में लॉयर्स लड़ रहे होते हैं है ना आप अपने मम्मी पापा को कन्विस्स कर रहे होगे कि आपको नहीं इसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए यहीं पे जाना है तो ये सब चीज़ें क्या हो गई आपको ऑफ अट्रूथ और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्लेम बताने के लिए हो गया एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिस विद ईच अदर इन विच ईच पर्सन गिव्स रीजन्स टू सपोर्ट हिज और हर पोजिशन अब यहाँ पर हम लोग जब दो और से ज़्यादा लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए राइट और ये सब चीज़ें करने के लिए कर रहे होते हैं तो हम लोग तब उसे आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा ये फॉर्मूले वाइज में पढ़ लें कि आर्ग्यूमेंट प्रेमसिस और कंक्लूजन होता क्या है आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला प्रेमाइसिस जो कि आपको एविडेंसेस देता है कि आपका जो कंक्लूजन आ रहा है ये कंक्लूजन को क्या देता है एविडेंसेस देता है जैसे आपके भाई ने कोई चीज़ चुराई है आपके पास पूरा एविडेंस है कैमरे में है या तो आपको पता है कि घर में और कोई और है नहीं है तो वो प्रेमिसज है क्योंकि घर में कोई और है नहीं तो नहीं चुराया है तो वो चीज़ जो होती है हम लोग अपने भाई को जो बोली कर होते हैं तंग करोते हैं उसे हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन पर जो सपोर्ट दे रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेमसिस दैट इज नथिंग बट एविडेंस दैट इज़ सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्क्लूजन अंडरस्टूड आर्ग्यूमेंट क्या होता है प्रेमिसज और प्रेमिसज हमें क्या मिलता है कॉन्क्लूजन द ऑफिशियल वर्ड फॉर कंक्लूजन इज कंक्लूजन बट फॉर द ऑफिशियल वर्ड फॉर द डेटा इज एविडेंस और फैक्ट जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेमैसिस की ये एक डेटा होता है जिसको हम लोग एविडेंस कहते हैं और या तो ये फैक्ट होगा या फिर इसे हम लोग नॉर्मली कोई भी हम लोग चीज कह रहे होंगे एविडेंस या फिर हम इसे बोलेंगे फैक्ट्स क्या होगा ये एविडेंस या फिर फैक्ट जो कि रीजन दे रहा होगा मैं कंक्लूजन को सपोर्ट करते हुए यही आर्ग्यूमेंट है जैसे हमने पहले बताया था कि आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट भी होता है इसका फॉर्मूला आपके सामने है दैट इज पॉइंट वन पॉइंट टू इज इक्वल टू कंक्लूजन ये है प्रेमिस एविडेंस वन प्लस एविडेंस टू इन सबको जोड़ के एक लॉजिकल जो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन की होती है उसे हम लोग कहते हैं कंक्लूजन इसी में फैलेकैसी भी होती है जो कि हम लोग बाद में लेटर हाफ के लिए एक अलग वीडियो बना के रखेंगे डोंट वरी बट पहले के लिए ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है और समझना और भी जरूरी नाउ प्रेमैसिस कुड बी टू और मोर दैन दैट इन द क्रिटिकल रीजनिंग अब बात यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि इससे ज़्यादा भी प्रेमाइसिस हो सकते हैं पर हमें इन सबको क्या करना है एक्सट्रैक्ट आउट करके पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के हमें कंक्लूजन बनाना है तो वो तो मेन आइडिया और ये सब चीज़ें होंगी जब हम लोग उसको बहुत ही विस्तार से पढ़ रहे होंगे तो अभी हम लोग यहाँ पर और क्या पढ़ सकते हैं आर्ग्यूमेंट जो होता है प्रेमाइसिस स्टेटेड फैक्ट्स और कंक्लूजन कुछ हद तक सही चीज़ें हैं प्रेमाइसिस क्या होती है वो नथिंग बट स्टेटेड फैक्ट्स और इन अदर वे प्रेमाइसिस इज द रीज़न दैट इज़ गिवन टू सपोर्ट दी कंक्लूशन अब अब बात ही हो गई जैसे अब मैं तुम्हें बताया अब कुछ नहीं होता evidence है एविडेंस होते है, हैं फैक्ट्स होते हैं जैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं प्रूव करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं बट अगर अदर वे में देखा जाए तो यह सपोर्ट भी तो दे रहा है ना अगर मैं बोलूँ हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं दट मीन्स ही इज़ अ सपोर्टिव स्टेटमेंट एज वेल तो कुछ हद तक प्रोमिसज जो है वो रीजन भी दे रहा है मगर सपोर्ट भी दे रहा है किस चीज़ को कंक्लूजन के फॉर्म पर फैक्ट्स भी दे रहा है सब चीज़ें दे रहा है बट दैट इज आवर थिंग्स कोर्स बट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन वॉट इज फैक्ट्स और दिस ट्रुथ मतलब अगर हम लोग देखें दोनों तो मुझे सेम ही लग रहा है ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है वट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ट्रूथ आओ अंडरस्टैंड करते हैं फैक्ट्स मे और मे नॉट बी ट्रू जैसे अगर मैं बोलूँ तुम में से कोई भी अगर मैं बोलता हूँ तुम लोग अभी एक बच्चे हो तुम कुछ भी बोलोगे वो फैक्ट होगा जरूरी नहीं है कि दुनिया उसे माने ना माने बट तुमने जो भी बोला तुम्हारा सच है वो हर किसी का अपना सच होता है, है ना हर किसी का अपना फैक्ट भी होता है अगर तुम बोलो तुम्हारा बर्थडे जो है या फिर गांधी जी का बर्थडे जो है इंडिया का जब भी इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ नॉट फिफ्टीन ऑगस्ट दैट इज़ फोर्टीन ऑगस्ट वो फैक्ट है तुमने लिख दिया तो फैक्ट है अगर ऑथर ने कभी कोई गलत इफॉर्मेशन दे दी तो फैक्ट है बट जब वो गलत फैक्ट होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं हम आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं वीक करते हैं बोल के करेक्ट इंफॉर्मेशन को देकर है ना दैट मीन्स फैक्ट्स जो है वो सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है मगर उसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होते हैं वो डिसाइड करते हैं वेदर दे उस फैक्ट्स आर ट्रूथ और फॉल्स जो कंक्लूजन की बात होती है यहाँ पे मेन आइडिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ फैक्ट्स राइट ट्रूथ की बात क्या है अगेन सबके सच अपने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो ये भी सच हो सकते हैं झूठ हो सकते हैं मगर हाँ तुम्हारा सच तुम्हारा है दूसरे का सच दूसरे का सच है तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए तीन एक बार पर डिवाइड करते हैं प्रेमाइसिस जैसे हम लोग बात करते हैं रीज़न देते, देते हैं एविडेंस देते हैं फैक्ट्स को स्टेट करते हैं और सच हो भी सकते हैं और नहीं भी ये तीन चीज़ अभी तक हमें प्रेमाइसिस के बारे में पता चलती जा रही है जैसे अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं जैसे अगर बोले ऑल कैट्स आर डॉग्स हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि सारी की सारी जो कैट्स हैं वो डॉग हैं तो हमने इस सर्कल के अंदर आपने नोटिस किया कैट को यहाँ पे दिया हुआ है पहले कैट का एक सर्कल लिया और एक पूरा पूरा डॉग का सर्कल लिया और कैट्स वाला जो सर्कल है वो डॉग के वाले सर्कल में हमने उसे लगा दिया इन दिस यू आर नॉट अलाउड टू सी प्रैक्टिकली बिकॉज इन द रीजनिंग यू हैव टू टेक द एज ट्रू अगर हमें ये रीजनिंग दे दी गई है ये एग्जाम्पल नहीं कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट दे दी गई है तो हमें मानना पड़ेगा ना ये फैक्ट स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है जो हम लोग इससे पहले अभी एक स्टेटमेंट जो पढ़ के आ रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फैक्ट भी हो सकती है बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेद दर प्रमाइसिस आर ट्रू और नॉट इट डिपेंड्स ऑन कॉन्क्लूशन ये प्रमाइसिज है बट क्या ये कंक्लूशन हो सकती है लॉजिकली अगर हम लोग अभी इंटरप्रेट करें तो हाँ भी और ना भी दोनों आंसर्स हो सकते हैं हमारे बट वी विल अज्यूम दैट आंसर इज यस अब थोड़ा सा अप्रोच की बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट की कि क्या होती है अप्रोच टू फाइंड एन आर्ग्यूमेंट इज आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स कॉन्क्लूजन मेन कॉन्टेक्सट जानो कि किसके बारे में बात हो रहा है की को निकालो एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू फाइन द मेन कॉन्टेक्स ऑफ द पैसेज फिर उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट की एजम्प्शन निकालो जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो फिर पिक द चॉइसेस दैट बेस्ट फिक्स इज द वीकनिंग एंड दी सपोर्ट दी एजम्शन अगर हम लोग देखें जो हम लोग एजम्पन कर रहे हैं पहले ना एलिमिनेशन मेथड ट्राई करके कर देखो क्या क्या तुम सही समझ रहे हो गलत तो नहीं सोच रहे हो चीज़ों को लेके तो जस्ट एक बार आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा ना तो तुम्हारे पास हर एस्पेक्ट मिल जाएगा जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे गाड़ी चलानी आती है है ना या तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ अब गाड़ियों को जो हम लोग चला रहे हैं तो तुम्हें पता है हम हवा में तो नहीं चलाएंगे वीकनिंग स्टेटमेंट हम पानी में तो नहीं चलाएंगे वीकनिंग स्टेटमेंट हम रोड पर ही चलाएंगे स्ट्रांग स्टेटमेंट वीकनिंग स्टेटमेंट स्ट्रांग स्टेटमेंट यहीं से अभी हमारे एक्सट्रैक्ट हो हैं जब हमें मिलता है दै वी आर राइडिंग आ कार हम लोग से हवा नहीं चला रहे सब चीजें नहीं चला रहे दट इज अवर वट वी आर नो इन इन सिंपल टर्म्स जो मैंने तुम्हारे यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो सीआर के आर्गुमेंट में होते हैं एक स्ट्रेंथनिंग होता है एक वीकनिंग होता है जो भी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था है ना तो जो स्ट्रेंथनिंग वाले को होते हैं थोड़ा सा समझते हैं इनको क्या होता है एन एक्सटर्नल सेंटेंस डैट फॉलोज सपोर्ट द गिवन आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन अगर देखा जाए ये एक एक्सटर्नल सेंटेंस होता है जो कि फॉलो या सपोर्ट कर रहा होता है किसी गिवन आर्ग्यूमेंट को या फिर कंक्लूजन को ठीक है जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन द गिवन कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट सेलिंग टोबैको शुड बी बैंड ठीक है अब यहाँ पे इससे कैंसर हो जाता है सारी चीज़ें हो जाती है क्या है ये आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है ना जैसे हम लोग डायबिटीज़ की बात करें शुगर को बैन कर लेना चाहिए क्यों क्योंकि लोगों को डायबिटीज़ हो रही है हमें इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे लोग मर रहे हैं दैट इज अगेन अ कॉन्क्लूजन ऑन आर्ग्यूमेंट दट इज गिवन टू यू बट जो दूसरी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है वो स्ट्रेंथनिंग है की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अस्टेंडिंग आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट नॉट टू बी टेकन फ्रॉम द गिवन पैसेज उसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है बट वो जो स्टेटमेंट है ऑथर उससे एग्री करेगा पैसेज उसे सपोर्ट करेगा सेकेंड अस्टेंडिंग आर्ग्यूमेंट फॉलोज द गिवन कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट जो ये स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट होती है उससे क्या होता है कॉन्क्लूजन हमेशा फॉलो कर रहा होता है अट्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट डजन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और डिस्कशन अ स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट डजन ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ अन ये जो चीज़ें होती हैं ना कि कुछ अन नहीं होता एलियनेटेड कोई टॉपिक्स नहीं होते जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वही वहाँ पर बताया जा रहा है वीकनिंग आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं आई थिंक दिस वुड भी द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे इस मॉड्यूल में हम लोग इतना पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे मैं आपके लिए और क्रिटिकल रीजनिंग के ऐसे मॉड्यूल्स बनाता रहूँगा सो so दैट आपकी क्रिटिकल रीजनिंग में कभी भी आपको दिक्कत ना है वीकनिंग आर्ग्यूमेंट एन एक्सटर्नल लाइक that सेंटेंस against the अगेंस्ट the given arguments conclusion अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो ये जो एक्सटर्नल सेंटेंस होता है ना कि ये जो मेन टॉपिक होता है उसकी डिफर रहा होता है तो उसे वीक कर रहा होता है जैसे अभी हम स्ट्रेंदिंग में क्या कर रहे थे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं रोड पर चलाऊंगा स्ट्रेंथिंग स्टेटमेंट मैं हवा में चलाऊंगा नहीं वीकनिंग स्टेटमेंट इेलिवेंट स्टेटमेंट कोई लेना देना नहीं हो स्टेटमेंट का इसको क्या कहा जाएगा वीकनिंग स्टेटमेंट्स की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अ वीकिंग आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट नॉट टेकन फ्रॉम द गिवन पैसेज सेम सेम काइंड ऑफ थिंग उसका पैसेज लेना देना नहीं है बट वो उस आइडिया को वीक कर लेगा जिसमें मेन आइडिया जिसकी हम लोग वहाँ पर बात की जा रही है अ वीनिंग आर्ग्युमेंट गोज अगेंस्ट अ कॉन्ट्रेक्ट द कॉन्क्लूजन ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट जाएगा अ वीनिंग आर्ग्युमेंट डजन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और डिस्कशन अ वीनिंग आर्ग्यूमेंट डजन ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ अन नोन ट्रू मतलब सब चीज़ें वही होंगी उससे से रिलेटेड होंगी ऐसा नहीं कि वो एलिनेटेड टॉपिक अगेन हम लोग ले आएंगे अगर वो चीज़ नहीं चलती तो उन चीज़ नहीं चलती अवेयर है नोन है वी आर डेफिनेटली नोन अबाउट दिस थिंग्स तो येस वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक ऑन दी नेक्स्ट पार्ट जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कंक्लूजन के बारे में आज के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लेस्क्राइक क्लैक वेल को फॉलो कर लो एंड मैं आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन ऐसी देने वाला हूँ तो प्लीज़ 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 स्टे प्लीज, ट्यून एंड कीप रॉकिंग एंड हम लोग को फॉलो करते रहना मेरा नाम समीर है एंड मैं आपको यहाँ वर्बल एबिलिटी पढ़ाता हूँ तो सी यू ऑल इन दी अपकमिंग क्लासेस एंड वीडियोस इसको लाइक और शेयर जरूर करना कमेंट ज़रूर करना मुझे जरूर बताना कैसी लगी क्लास चलो बच्चे बाय बाय टाटा सी यू